स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल टेक मॉडिफायर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर या पीसी में से मैलवेयर्स को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो आपके ब्राउजर्स को इफेक्ट करते हैं और उनमें वो किसी भी तरीके के वेब पेजेस को ओपन कर देते हैं और रिडायरेक्ट होता जाता है। यानी कि जब तक आप अपना इंटरनेट ऑन रखेंगे या फिर आप इंटरनेट ऑन नहीं करते तभी ये ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर को ओपन कर देते हैं और उन वेब पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इनमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हम अपने इंटरनेट का यूज नहीं कर पाते अपने सिस्टम में, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारे इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाते हैं क्योंकि ये वेबसाइट्स बैकग्राउंड पैरामीटर कर देती हैं। तो दोस्तों इन मैलवेयर्स को कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए क्या दोस्तों हमें पहले चीजें सावधानी रखनी चाहिए कि मैलवेयर्स हमारे सिस्टम में आए ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात की अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर आए ना, तो इसके लिए आपको किसी भी मैलिशियस साइट पर नहीं जाना चाहिए। जो साइट्स दोस्तों आपको ना लगे कि ये एक वैलिड साइट है आपको उन पे नहीं जाना चाहिए। आपको उन साइट्स का एसएसएल सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए जो कि आपको यहाँ आपके ब्राउजर में मिल जाएगा। आप चाहे कोई भी ओएस यूज करते हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे विंडो हो या मैक हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम यूट्यूब पर भी चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जब हम यूट्यूब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो यूट्यूब का पेज ओपन होता है वहाँ पर हमें ये जो आप इन्फो पर देख सकते हैं यहाँ पर अपनी आप देख सकते हैं योर कनेक्शन इज टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर दे रहा है। तो दोस्तों अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन जैसे दोस्तों ये साइट ओपन हो जाएगी ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सही दिखाएगा, एक लॉग दिखाया जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक लॉक का आइकन आ चुका है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर, यानी दोस्तों हमारा यूट्यूब से हमारे ब्राउजर का यूट्यूब से डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें कोई बीच में दोस्तों कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है वो सिक्योर रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही इसमें किसी तरह के पॉपअप एड्स आएंगे, ना ही कोई और प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप किसी ऐसी साइट को ओपन करते हैं तो जिसमें दोस्तों आपको मैलिशियस वायरस होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये एक रिडायरेक्ट है, आपने आप इसे लिंक देखा है, ये चेंज हो गया है लिंक इसका। तो दोस्तों ये एक वायरस है, ये मैलवेयर है जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, ये हमारे सिस्टम में दोस्तों अनवांटेड वेबसाइट्स ओपन करता है और हमारा सिस्टम स्लो होता है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन फालतू यूज होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये लगातार इसे लिंक बदल रहे हैं। तो दोस्तों इसे हम कट कर देते हैं अभी के लिए। तो इसके दोस्तों सही करने का सबसे इजी तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप इसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने पीसी में जिसका नाम है मैलवेयर बाइट्स, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसे ओपन करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे दोस्तों हमने सी में ही इंस्टॉल किया, आप इसे सी में ही इंस्टॉल करें तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए देख लेते हैं हमने इसे ओपन किया हुआ है। दोस्तों मैलवेयर बाइट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी अपने सिस्टम में जो मैलवेयर है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये ओपन हो चुका है दोस्तों, ये रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा मैलवेयर बाइट्स अनडिफाइंड 7.3.7.1 वर्जन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैन नाउ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्री 14 दिनों के लिए है, आप चाहते हैं फ्री में वर्जन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर स्कैन नाउ पर क्लिक करेंगे और ये हमारे सिस्टम को स्कैन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे सिस्टम स्कैन करता है, तब तक हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हमारा सिस्टम स्कैन करेगा तो हमें पता चल जाएगा हमारे सिस्टम में कहाँ पर वो वायरस है और हम उसे रिमूव कर पाएंगे। ये वायरसेस दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं, आपके सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना सिस्टम रीसेट करना पड़ जाता है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर जब तक ये स्कैन करता है तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो छोटा बने। चलिए देख लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पिछले 10 मिनट से स्कैनिंग हो रही थी, अब ये जाकर हमारे मेमोरी को स्कैन कर रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और मेलवेयर ओपन हो चुका है दोस्तों। ये तरह तरह के वेबसाइट्स को ओपन कर देता है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं तब तक लिए। आप देख सकते हैं इसने कितने सारे फाइल्स को स्कैन किया हुआ है और ये अपनी हमारे मेमोरी को स्कैन कर रहा है। थोड़ी देर में ये दोस्तों ये स्टार्टअप की जो फाइल्स होती हैं, यानी कि जो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, ये उन फाइल्स को भी स्कैन करेगा वायरस को चेक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर रजिस्ट्री को स्कैन किया जाएगा और सिस्टम की फाइल्स को। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समय लगना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक थ्रेड को फाउंड किया है, तो आप चाहते हैं इसे पॉज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर और वेट करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पूरे सिस्टम को अच्छे से स्कैन कर ले और जो भी मैलिशियस फाइल हो ये उसे डिटेक्ट करके रिमूव कर दे, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ऐसे वायरस से फ्री हो जाए, ताकि हमारा जो दोस्तों समय है वो बचे और हमारी सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 80 थ्रेड्स को फाउंड किया है। पिछले 18 मिनट से मैंने इसे चला कर रखा है, ये अभी तक इसने 80 दोस्तों इसने थ्रेड्स को फाउंड किया है, आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सिर्फ एक ही चीज बचा है, ये सारे स्कैनिंग पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में कहाँ पर ये मैलवेयर था। और आप यहाँ से इसे देख भी सकते हैं दोस्तों, वेब आइडेंटिफाइड थ्रेड्स, यानी जो ये थ्रेड्स है ये कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये रहे सारे, आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें मैन्युअली जाकर रिमूव कर सकते हैं या फिर आप इससे भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये रही उन सभी की लोकेशन, और ये दोस्तों सारी आप देख सकते हैं कितने सारे हैं यहाँ पर, ये सारे दोस्तों आपके सामने हैं। ये हमारे सिस्टम में यही सारे वायरस हैं, इसे हम दोस्तों ओके कर देते हैं। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा ताकि ये हमारी लास्ट स्कैनिंग भी कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये 86 पहुंच गया दोस्तों, इतने सारे वायरस थे अभी हमारे कंप्यूटर में। आप देख सकते हैं इसने कितने सारी फाइल्स को स्कैन किया है। तो यहाँ पर आपको इसकी मदद से स्कैन कर लेना चाहिए अपने कंप्यूटर को, हफ्ते भर में नहीं तो महीने में भी दोस्तों स्कैन कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो सिस्टम है वो फास्ट वर्क करता रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसलिए आपको स्कैन कर लेना चाहिए अपना सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा और प्रोसेस आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे मेलवेयर हैं, ये ट्रोजन्स वायरस हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब मेलवेयर है, एडवेयर है। तो दोस्तों एडवेयर और मेलवेयर ऐसे हैं कि ये आपके सिस्टम में आ जाते हैं और आपके ब्राउजर्स को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों एडवेयर आपके सिस्टम में तरह तरह के एड्स को ओपन कर देते हैं और आपका जो ब्राउजर है वो उन एड्स को शो करता है आपके सामने, और इससे उसे बनाने वाले को दोस्तों बहुत ही फायदा होता है क्योंकि उसके एड्स आपके कंप्यूटर में बिना भी परमिशन के चलते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से उनकी कमाई होती है। तो दोस्तों आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है और इसे डिलीट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपके सिस्टम में से जितने भी एडवेयर और मेलवेयर्स हैं जो भी इसने स्कैन किए सब डिलीट हो जाएंगे, और दोस्तों इससे आपका सिस्टम पूरा क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, धन्यवाद आपका।